दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। समस्त योजनाओं में माह नवंबर 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया है तथा 433 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। वित्तीय समावेशन प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बीसी सखी तथा 17,852 एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। अटल पेंशन योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,18,00,000 नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। औद्योगिक विकास विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु जल सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश में निर्यात बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता लिस्ट 2023 विदिन ब्रैकेट रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है। चिकित्सा क्षेत्र राज्य सरकार के प्रयासों से मात्र मृत्यु दर वर्ष 2014 में 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में AIS एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम रोगियों की संख्या में 76% तथा मृत्यु दर में 98% की कमी एवं जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस के रोगियों की संख्या में 85% तथा मृत्यु में 96% की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर 3828 हो गई है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गई है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में PG सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गई है। इस प्रकार PG की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध कर राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में माध्यम से प्रदान की जा रही है। मानवर वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638,26,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के अब तक के कार्यकाल में 2017 से अद्यावधि अर्थात 7 वर्ष से भी कम अवधि में 1,61,962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है वह अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल है। मिसाल के रूप में हमारे समक्ष है, खास तौर से आम आदमी क्या सोचता है मान्यवर, इसको 4 लाइनों में व्यक्त किया गया है जो आम आदमी की बात है। मुक्त हूँ कर्तव्य की चिंताओं से, दर्द से दुख से मुझे आराम है और हर किसी के वास्ते हर वस्तु है, ये हमारे ऐश्वर्य का पैगाम है। कानून व्यवस्था, सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भय मुक्त वातावरण देकर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है। विविध त्योहारों
एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, G20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप 2023 जैसे बृहत आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किए गए प्रबंधों की सराहना देश दुनिया में से आए अतिथियों ने की है। वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2023 में डकैती के मामलों में 87%, लूट में 76%, हत्या में 43%, बलवा में 65%, फिरौती हेतु अपहरण में 73% की कमी हुई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,634 CCTV कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियां की गई हैं। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर CCTV कैमरों की स्थापना, इंटीग्रेशन डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना, हॉट पॉइंट्स को चिन्हित करने पिंक बूथों की स्थापना तथा बस ऑब्लिक टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 3 महिला PSC बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बदायूं में स्थापित हैं। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य PSC बटालियन स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियाँ गठित की गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है। होमगार्ड स्वयं सेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत होमगार्ड्स का 30,00,000 रुपए का बीमा सुविधा प्रदान की गई है। मान्यवर, अब मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रमुख विभागों की मुख्य योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहूँगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, जिस पर कुल 150 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा, प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल 1 Apex Trauma Center 200 में उच्चीकृत किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना लक्षित है तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं।